टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को मुकाबला होना है। दोनों ही टीमें अपने आप को इस मुकाबले के लिए तैयार कर रही हैं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इतिहास क्या रहा है भारत पाकिस्तान का जब वो टी20 इंटरनेशनल में भिड़े हैं या टी20 विश्व कप में भिड़े हैं। कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऐसा है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन टी20 इंटरनेशनल में बनाए हैं? किस गेंदबाज ने भारत पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को टी20 विश्व कप में एक दूसरे के सामने होगी और यह मुकाबला जो है बहुत रोचक और रोमांचक होने की उम्मीद है, जैसा कि भारत पाकिस्तान के मुकाबला अक्सर हुआ करते हैं। तो इस मुकाबले से पहले हम आंकड़ों पर गौर करें और अगर हम देखें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने टी20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, तो आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान ने अब तक आपस में 12 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें से 8 मैचों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, तो पाकिस्तान के हाथ 3 मैच जो है वो लगे हैं और एक मैच टाई हुआ था, लेकिन उस मुकाबले में बॉल आउट का सहारा लिया गया और उस मुकाबले में भी भारतीय टीम जीत गई थी। तो इसका मतलब इस 12 मैचों को आप 9-3 के रेशियो में भी देख सकते हैं। जहां तक टी20 विश्व कप की बात है तो भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से भारतीय टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। एक मुकाबला दुबई में 2021 में भारतीय टीम ने गवाया था और एक मुकाबला टाई हुआ था, जिसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की, 2007 टी20 विश्व कप में, वो लीग मैच था डरबन में, तब दोनों टीमों का स्कोर बराबर था और फिर बॉल आउट का सहारा लिया गया और उसमें भारतीय टीम जीती थी। तो टी20 विश्व कप के मैचों में या टी20 इंटरनेशनल के मैचेस में भारतीय टीम का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी रहा है। अब भारत पाकिस्तान मुकाबले में सबसे ज्यादा रन जो है वो किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, अगर आप ये जानना चाहें तो जो वर्तमान लॉट खेल रहा है और भारत पाकिस्तान मुकाबले में बैटर्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच जो मुकाबले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रन भारत के लिए विराट कोहली ने बनाए हैं। वो दोनों तरफ से हाईएस्ट स्कोरर हैं, मैक्सिमम रन उन्होंने ही बनाए हैं। उन्होंने 10 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 488 रन बनाए हैं और जैसा मैंने कहा वो हाईएस्ट स्कोरर हैं। 82 रन जो है हाईएस्ट स्कोर भारत पाकिस्तान मुकाबले में किसी इंडिविजुअल बैटर का जो स्कोर है वो भी रिकॉर्ड विराट कोहली के ही नाम है। और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो 123.85 का रहा है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं, जो कि विकेटकीपर बैटर हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 4 मैचों में 197 रन बनाए हैं और उनका भी जो स्ट्राइक रेट है वो 123 का है। वर्तमान टीम में अगर हम सीरियल में देखें तो तीसरे नंबर पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11 मैचों में 114 रन बनाए हैं, लेकिन उनका औसत कम है 14.25 का और स्ट्राइक रेट भी उनका पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं है, 118.75 का। चौथे नंबर पर बाबर आजम हैं, जिन्होंने 4 मैचों में 92 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भारत के खिलाफ 127.77 का रहा है। पांचवें नंबर पर हार्दिक पांड्या आते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में 84 रन बनाए हैं और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 127 से ज्यादा का है। तो टॉप 5 बैटर्स जो कि प्रेजेंट टीम में जो बैटर्स खेल रहे हैं उनमें यही 5 नाम हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे पर रिजवान, तीसरे पर रोहित शर्मा, चौथे पर बाबर आजम और पांचवें पर हार्दिक पांड्या। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत का नाम भी शामिल है। अब अगर हम गेंदबाजी में बात करें और भारत पाकिस्तान मुकाबलों की बात करें
तो पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज, या यूं कह लें कि भारत पाकिस्तान मुकाबले जो T20 इंटरनेशनल में खेले गए हैं उसमें जो सबसे सफल गेंदबाज हैं दोनों तरफ से, वो हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में 11 विकेट लिए हैं। मतलब कि अगर आप देखें कि वो बैटिंग में भी टॉप 5 में हैं और गेंदबाजी में टॉप पर हैं, मतलब हार्दिक पांड्या को भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलना पसंद है और यहां वो ऑलराउंड प्रदर्शन करते हैं। और जब रविवार को भारत पाकिस्तान की टीमें आपस में भिड़ेंगी तो लोगों को हार्दिक पांड्या से ढेरों उम्मीदें होंगी कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे। दूसरे नंबर पर भारत के अर्शदीप सिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और उसमें 6 विकेट लिए हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ से बात करें और प्रेजेंट लॉट की हम बात करें तो मोहम्मद आमिर जो हैं वो सबसे सफल गेंदबाज हैं पाकिस्तान के तरफ से, जिन्होंने कि 2 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा उसके बाद आते हैं जिन्होंने 6 मैचों में 4 विकेट लिए हैं, और फिर नसीम शाह हैं जिन्होंने 3 मैच में 4 विकेट लिया है। फिर हारिस राव, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, जसप्रीत बुमराह का भी नाम इस लिस्ट में आता है। तो ये हैं टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में। अगर हम बात करें कि जो भारत और पाकिस्तान के मुकाबले हुए हैं T20 इंटरनेशनल में, उसमें किसी टीम के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर कितना है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो भारत के नाम है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में अहमदाबाद में 192 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। तो भारत पाकिस्तान मुकाबले में T20 इंटरनेशनल में आज तक जो है 200 रन का आंकड़ा किसी टीम ने नहीं छुआ है और भारतीय टीम 8 रन पीछे रह गई है 192 रन। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो भारत के खिलाफ जो उसका सर्वाधिक स्कोर है वो है 182 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब हम लोएस्ट टोटल की भी बात कर लेते हैं तो देखिए ये जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के नाम है। सबसे कम रन जो है वो पाकिस्तान ने ही बनाए हैं, 83 रन 2016 में मीरपुर में वो मैच हो रहा था और उसमें पाकिस्तान की टीम 83 रन ही बना सकी थी। जबकि जो भारत का लोएस्ट टोटल है पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में वो है 133 रन। 2012 में बेंगलुरु में भारतीय टीम जो है 133 रन ही जुटा सकी थी। तो ये हैं भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले के रिकॉर्ड। अब अगर हम बात करें कि जो भारत और पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में मैचेस हुए हैं उसमें क्या कुछ रहा है रिकॉर्ड, तो देखिए जो पहला मैच खेला गया था डरबन में 2007, वो T20 विश्व कप का पहला संस्करण था, तो उसमें मुकाबला टाई हुआ था और फिर बॉल आउट में, मतलब उस वक्त सुपर ओवर नहीं हुआ करता था, उसमें गेंदबाज जो है विकेट पर हिट करते थे और उस बॉल आउट में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी। और फिर उसी विश्व कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर जो है वो खिताब भी जीता था T20 विश्व कप का। तो ये पहले दो मुकाबले हैं भारत पाकिस्तान के T20 विश्व कप में। तो ये बातें हो गई, लेकिन एक दिलचस्प बात आपको और बता दूं कि ये जो 7 मैच खेले गए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें सिर्फ एक बार जो है भारतीय टीम जो फाइनल में 5 रन से जीती, बाकी अन्य मौकों पर भारतीय टीम चेज करते हुए जीती है, या पाकिस्तान की टीम ने भी जो एकमात्र मुकाबला जीता है वो रनों का पीछा करते हुए ही जीता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जब बैटल ऑफ नर्व हो तो आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। सिर्फ जो है एक बार 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में ही पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम जीती है। इसके बाद अगर आप देखें तो 2012 में जो एक मुकाबला होता है कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारतीय टीम 8 विकेट से जीती थी। फिर 2014 में ढाका में 7 विकेट से जीती थी। फिर 2016 में कोलकाता में 6 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की थी। और फिर मेलबर्न में 2022 में भारत ने
चार विकेट की जीत दर्ज की थी। और इस मैच में विराट कोहली की बल्लेबाजी आप सभी को याद ही होगी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने जो है 2021 में भारत के खिलाफ T20 विश्व कप में जो मुकाबला हुआ था उसे जीता था और तब 10 विकेट की जीत दर्ज की थी। तो ये भारत पाकिस्तान मुकाबले से जुड़े कुछ आंकड़े जो मैंने आपको बताए। अब सभी को इंतजार है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को खेला जाए और उस मुकाबले में फिर से कुछ नए रिकॉर्ड बने, दोनों तरफ से चौके छक्के लगे और उसमें भारतीय टीम जीत हासिल करे। भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।